नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं अपने इस विशेष बुलेटिन न्यूज़ एट 10 के साथ, लेकर कई बड़ी खबरें। कई बड़ी खबरों पर विस्तार से होगी हमारी नज़र, लेकिन सबसे पहले एक नज़र डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। भारत की G20 अध्यक्षता के समापन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। नई दिल्ली घोषणा पत्र के प्रभाव और मौजूदा वैश्विक चुनौतियों पर होगी चर्चा। राजस्थान में चुनावी रण में प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं प्रचार, आज डूंगरपुर और भीलवाड़ा में करेंगे चुनावी रैलियां। राजस्थान में आज अमित शाह और जेपी नड्डा भी करेंगे चुनावी रैलियां। वहीं कांग्रेस ने भी झोंकी पूरी ताकत, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत समेत तमाम बड़े नेता दिन रात कर रहे हैं चुनाव प्रचार। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने प्रचार में लगाया पूरा दम। भाजपा, कांग्रेस और बीआरएस समेत तमाम दलों के बड़े नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए लगा रहे हैं एड़ी चोटी का जोर। उत्तरकाशी के सिलकियारा में फंसे श्रमिकों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर फोन पर बात कर बचाव कार्यों के लिए जानकारी। वर्टिकल ड्रिलिंग की स्थान की पहचान कर ऑगर ड्रिलिंग का कार्य हुआ शुरू। राष्ट्रपति आज संबलपुर में ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का करेंगी शुभारंभ। पुचुपर्थी में श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के 42 दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। पचास बंधकों की रिहाई के बदले संघर्ष विराम के लिए तैयार हुआ इसराइल। कैबिनेट ने प्रस्ताव पर लगाई मोहर, चार दिन के सीज फायर पर बनी सहमति। तो बुलेटिन में खबरों को अब विस्तार से देखते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज G20 के नेताओं का वर्चुअल शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और इसको लेकर G20 शेरपा अमिताभ कांत ने प्रेस वार्ता की। G20 घोषणा पत्र में 205 बिंदुओं पर सहमति बनी थी, इन पर अब तक हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए ये वर्चुअल सम्मेलन हो रहा है। अमिताभ कांत ने बताया कि प्रधानमंत्री लगभग 2.5 महीने में दूसरी बार वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं, जिससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रधानमंत्री G20 लीडर डिक्लेरेशन को लागू करने के प्रति बेहद गंभीर हैं। द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन पर्टिकुलरली फोकस्ड on implementation of the leader's declaration, and all our ministries, we've held several rounds of meetings with our ministries to pursue action on all the leader's declaration, and on a vast range of areas declaration has been taken both domestically and internationally. This virtual summit will be the second time the Prime Minister will be hosting the leaders of the G20 within a span of just over 2.5 months. This is something very rare and rather exceptional. और अब खबरें चुनावी राज्यों से। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा समेत अन्य पार्टियों के कद्दावर नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैराथन चुनावी सभाएं करके भाजपा के लिए जन समर्थन जुटा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में आज भी दो रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम सबसे पहले डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर में भीलवाड़ा के कोटड़ी में भाजपा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। राजस्थान की सभी 200 सीटों पर एक ही चरण में 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह भी राजस्थान में पूरी ताकत से पार्टी के प्रचार में जुटे हुए हैं। अमित शाह आज राज्य में 3 चुनावी जनसभाएं करेंगे। अमित शाह सबसे पहले पाली के जैतारण विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मुखातिब होंगे और उसके बाद जालौर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से भाजपा के लिए वोट मांगेंगे। दोपहर बाद अमित शाह रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज राजस्थान के चुनावी रण में हुंकार भरने वाले हैं। नड्डा आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष सबसे पहले सीकर के दंतारामगढ़ में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। उसके बाद वो दौसा में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता दिन रात चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भी सभी दलों ने प्रचार में पूरा दमखम लगा दिया है। भाजपा, कांग्रेस और बीआरएस समेत तमाम दलों के बड़े नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 30 नवंबर को कराया जाएगा और इसलिए अब प्रचार के लिए लगभग 1 सप्ताह का समय बचा है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता राज्य में कोने कोने में प्रचार में जुटे हुए हैं। और अब अगली खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संबलपुर में ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ करेंगी। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास और उड़ीसा की मंत्री भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में आश्रम के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा वृक्षारोपण भी किया जाएगा। बाद में राष्ट्रपति पुट्टुपर्थी का दौरा करेंगी जहां पर वो श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के 42वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल ओडिशा के संबलपुर में वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 15वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति ने छात्रों को मेडल पहनाए और डिग्रियां प्रदान की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ओडिशा यात्रा के तीसरे दिन आज ब्रह्म कुमारी आश्रम में नई शिक्षा नए भारत के लिए अभियान की शुरुआत करेंगी। इस कार्यक्रम के बारे में बात की है हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने ब्रह्म कुमारी संबलपुर की जोन इंचार्ज राजयोगिनी पार्वती दीदी से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने गृह राज्य उड़ीसा में 3 दिनों के लिए यहाँ आई हुई हैं और उनको अपने कार्यक्रम के तीसरे दिन ब्रह्म कुमारी आश्रम में आना है। हमारे साथ ब्रह्म कुमारी आश्रम की जो संबलपुर की जोन इंचार्ज हैं राजयोगिनी पार्वती दीदी वो हमारे साथ हैं। पार्वती दीदी से बात करते हैं। दीदी महामहिम आश्रम में आ रही हैं, उनका क्या कार्यक्रम है? महामहिम राष्ट्रपति वैसे नई भारत के लिए नई शिक्षा की संबंधित एक अभियान राष्ट्रीय स्तर पर उद्घाटन होने जा रहा है। वो भव्य रूप से उद्घाटन होने जा रहा है जिसमें पश्चिम उड़ीसा की 9 प्रांतों से या सारी पश्चिम उड़ीसा से भाई बहने आने वाले हैं, विशिष्टात्मे आने वाले हैं। इसलिए भव्य रूप में कार्यक्रम होने वाला है और साथ ही साथ नए विश्व के लिए, नए भारत के लिए नए शिक्षा की जो आवश्यकता है वो इसलिए है कि आज संसार के अंदर भले भौतिक शिक्षाएं बहुत दिया जा रहा है, शिक्षा की कमी नहीं है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिकता की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जो नैतिक पतन हो चुके है सारे संसार के अंदर, नैतिक उत्थान, मूल्यों की धारणाएं जो हर मानव को ज़रूरी है,
आज विश्व के अंदर ये मूल्यों की कमी के कारण दुख अशांति मन की पीड़ाएं दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपका आश्रम निश्चित तौर से चरित्र निर्माण के लिए देश में काम करता है, लेकिन जब इस तरीके से जो हमारे देश के जो शीर्ष नेतृत्व कहीं पर जाते हैं तो लोगों में किस तरीके का संदेश जाता है और आप लोगों को कितनी प्रेरणा मिलती है इन सब चीज़ों से? वैसे तो ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसमें जाति धर्म वर्ण भेद को छोड़ करके बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक इस शिक्षा को सहर्ष स्वीकार इसलिए करते हैं, इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का अभ्यास करने के फलस्वरूप आंतरिक जो बुराइयां हैं अपने आप छूट जाता है। तो हमने बात की पार्वती दीदी से, ब्रह्म कुमारी जो निश्चित तौर से एक ऐसा संस्थान है जो लोगों के चरित्र निर्माण के लिए काम करता है, और जब राष्ट्रपति यहाँ पर पहुँचेंगे तो निश्चित तौर से जो लोग यहाँ पर होंगे तो एक अलग ऐसा वातावरण होगा जो राष्ट्र निर्माण में एक अलग भूमिका निभाएगा। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, संबलपुर। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मथुरा के दौरे पर रहेंगे। पीएम शाम को 4:30 बजे मथुरा में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम संत मीराबाई जन्मोत्सव में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री संत मीराबाई के सम्मान में एक स्मारक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। इसके अलावा वो इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये कार्यक्रम संत मीराबाई की स्मृति में पूरे साल चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत का प्रतीक भी होगा। आपको बता दें कि संत मीराबाई भगवान कृष्ण के लिए अपनी भक्ति के लिए विख्यात हैं। उन्होंने कई भजनों और छंदों की रचना की जो आज भी लोकप्रिय हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए डीडी न्यूज। सिर्फ चार दीवारों का मतलब घर नहीं होता, घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं, आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हम सफर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींच कर अपलोड करें। दादाजी ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। हर एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPS, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। पेमेंट फेल लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि उत्तरकाशी की सिलकियारा टनल के अंदर फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर हर दिन की जानकारी ले रहे हैं। आज भी PM ने बचाव कार्यों की जानकारी ली।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज फोन पर बातचीत करके सिलकियारा उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में फंसे श्रमिकों के लिए भोजन, दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं उन्हें सकुशल बाहर निकालने हेतु चल रहे बचाव कार्यों की जानकारी ली। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को केंद्रीय एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स और प्रदेश प्रशासन के परस्पर समन्वय के साथ संचालित बचाव कार्यों से अवगत कराया गया है। इस दौरान उन्हें गत 24 घंटों में हुई सकारात्मक प्रगति और श्रमिकों और उनके परिजनों की बातचीत से बढ़े मनोबल की भी जानकारी दी गई। माननीय प्रधानमंत्री जी का इस कठिन परिस्थिति से निपटने हेतु निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, जो हम सभी को पूरी ताकत से श्रमिक भाइयों को शीघ्र और सुरक्षित बाहर निकालने के लिए नित नई ऊर्जा प्रदान करता है। वहीं श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए अब वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए स्थान की पहचान कर ली गई है और अगर ड्रिलिंग का कार्य भी शुरू हो गया है, अब बचाव का कार्य और भी ज़्यादा तेज़ हो गया है। बचाव दल 10 दिन से 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने की पुरजोर कोशिशों में जुटे हुए हैं। एजेंसियां अगले 40 घंटों को बेहद अहम बता रही हैं। एजेंसियों का अनुमान यह है कि 30 से 40 घंटे के अंदर सुरंग से सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे। इससे पहले मंगलवार को सुरंग से अच्छी खबर आई। सुरंग में फंसे मजदूरों के परिवारों ने अपनों को चेहरे उनके देखे कैमरे के जरिए और उनसे बात भी की है। इस दौरान मजदूरों को भरोसा दिलाया गया है कि वो जल्दी बाहर निकाल लिए जाएंगे। आपको बता दें कि 12 नवंबर को उत्तरकाशी की सिलकियारा सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था, जिसके अंदर 41 मजदूर फंस गए थे। और अब अगली खबर। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस से जुड़े एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल और यंग इंडिया की 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया है कि ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है, जिसमें दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे कई शहरों में फैले संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है। जब्त की गई संपत्ति में 661.69 करोड़ रुपए की संपत्ति एजेएल की और 90.21 करोड़ रुपए की संपत्ति यंग इंडिया की है। और बिहार के मधेपुरा में कल डीएम की कार से कुचलकर 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसे को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त रोष है। घटना को भाजपा ने बेहद गंभीर अपराध बताते हुए डीएम से जवाब तलब किया है। साथ ही साथ बिहार बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने मृतकों को और उनके मृतकों के परिवार वालों को मुआवजे की मांग की है। साहब की गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ और मजदूरों की जो मृत्यु हुई, उस पर डीएम साहब का जबान नहीं खुल रहा है। जबान पे ताला लगा हुआ है। अब तक सियासी बयान होता तो तुरंत उनकी बयानबाजी स्टार्ट हो जाती। सरकार जो है, डीएम साहब आपको कुर्सी दिया है इसलिए कि आप जनता के साथ न्याय कीजिए। आप जनता का जिस तरह से दुर्घटना हुआ है उस पर आपका जबान नहीं खुल रहा है। आप पीड़ित परिवारों को मुआवजा दीजिए और आप पर जो है मर्डर का केस होना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने कुछ बोला नहीं है और जिस तरह की घटनाएं घट रही है यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा अभी भी जहरीली है और इसका प्रदूषण स्तर अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, जिस कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में है। लोगों को लगातार सांस लेने में दिक्कत हो रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। अशोक विहार में QI 405, जहांगीरपुरी में 428, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 404 और द्वारका सेक्टर 8 में 403 दर्ज किया गया है।
और इफ्फी का मंच युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने का मंच भी बना हुआ है। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में मणिपुर, ओडिशा और मध्य प्रदेश सहित 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में असाधारण अवसर उपलब्ध कराना है। इस वर्ष टैलेंट कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें फिल्मकारों को जाने माने निर्माताओं, उनके सहयोगियों, स्टूडियो और ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों से मिलने, संवाद करने और जुड़ने का मौका मिलेगा। इस हूटर के साथ शुरुआत हुई इन युवाओं के लिए एक नई चुनौती की, 48 घंटों में एक शॉर्ट फिल्म बनाने की। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गोवा में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो चुनौती का शुभारंभ किया। 54वें इफ्फी में पूरे भारत से 75 युवा प्रतिभाओं को अपने सपनों को पूरा करने का बेहतरीन अवसर मिल रहा है। इफ्फी 2023 ने इन्हें दिया सिने जगत के दिग्गज सितारों से रूबरू होने का और सीखने का एक मौका। इसके तीसरे संस्करण की शानदार शुरुआत हुई। In the last 2 years, we had close to 150 such young creative minds who have joined the programs. With this year's edition, the total tally stands at 225. So you are already a strong force of creative minds of tomorrow. 225 people already working in the system, learning and growing. ये युवा भारतीय सिनेमा के कल का प्रतिनिधित्व करेंगे। नवाचार, तकनीक, कहानी कहने के अंदाज के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, बेहद उत्साहित हैं और कुछ कर दिखाने के जज्बे से लबरेज हैं। तो मैं यहाँ पे इफ्फी में एज अ स्टूडेंट आया था 2 साल पहले, और आज मुझे एज अ कॉम्पिटिटर, एज अ पार्टिसिपेंट आने का मौका मिल रहा है, तो दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी। बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड करे एनिमेशन के और सिनेमेटोग्राफी के, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम सभी हरियाणा से संबंध रखते हैं और हरियाणा में तो अभी फिल्मों का चलन इतना नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है जिसमें हमें मास्टर क्लास भी मिली है, बहुत कुछ सीखने को मिला। ग्रैंड जूरी में शामिल हैं श्रेया घोषाल, ए श्रीकर प्रसाद, मनोज जोशी, वीरा कपूर, प्रिया सेठ सरीखे, सिने जगत से जुड़ी दिग्गज हस्तियों के साथ भी इन्हें रूबरू होने का, सिनेमा के व्यवसाय को देखने का मौका मिल रहा है। भारत में टैलेंट बहुत उम्दा है, जबरदस्त है, केवल उनको एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी, वो प्लेटफॉर्म सरकार ने दिया, आईएमबी मिनिस्टर ने दिया, तो मैं मोदी जी का, मोदी सरकार का और आईएमबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी का बहुत आभारी हूँ। जो ये 75 क्रिएटिव माइंड्स 48 आवर्स में मूवीज बनाएंगी, शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगी, पूरा उनको यहाँ पे जो टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि वो क्या बनाते हैं। प्रतिभा से भरपूर इन्हें तलाश थी बस एक अवसर की, जो आज इन्हें इफ्फी ने दिया है। ये युवा सिनेमा की दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए कड़ी मेहनत के साथ जुट गए हैं। पणजी गोवा से जया सिन्हा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस बार फिल्म बाजार के इतिहास में पहली बार एक VFX और टेक पवेलियन का प्रदर्शन किया गया है। आज के दौर में सिनेमा कैसे गतिशील और अत्याधुनिक प्रगति का प्रदर्शन कर रहा है, इस टेक पवेलियन में इसको देखा जा सकता है। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में नई संभावनाओं और प्रगति को भी इस पवेलियन में देखा जा सकता है। विजिटर्स वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से इस तकनीक का अनुभव कर सकते हैं। इसमें गूगल आर्ट्स और कल्चर, नेटफ्लिक्स, अमेजन और सोनी समेत कई बड़े प्लेटफॉर्म हिस्सा ले रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए टीटी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। के बाद स्वागत है आपका। आपको बता, अब बुलेटिन में बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। दे
देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा को पूरे उत्साह के साथ आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़, कन्नौज और अलीगढ़ में भी यात्रा के तहत लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। यात्रा के दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसके तहत सरकार की योजना में हर गांव, हर परिवार और हर व्यक्ति की सहभागिता को सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी क्रम में हापुड़ जनपद के गांव दोईमी में सहकारिता विभाग ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उनका अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री भारत भूषण त्यागी शामिल हुए। उन्होंने किसानों को खेती के द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन के साथ साथ आमदनी बढ़ाने के बारे में जानकारी दी। यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। जितने भी उत्पाद है, जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ गुड़ भी तैयार होता है, सरसों का तेल तैयार होता है, आम का अचार तैयार होता है, इस तरह के उत्पादों को हमारे एफपीओ के माध्यम से हम प्रोसेस करकर डायरेक्ट उपभोक्ताओं तक पहुँचा रहे हैं। किसान उत्पादन करता है और फायदा उसका कंपनीज लेती हैं कि हम ही प्रोड्यूस करें, हम ही इसे जो है उगाएं, हम ही इसे प्रोसेस करें और हम ही इसे खपत के लिए जाएं, मार्केट भी हम ही करें और हम ही, यह सरकार का उद्देश्य है। वहीं कन्नौज में भारत सरकार के विदेशी व्यापार मंत्रालय में अपर महानिदेशक एससी अग्रवाल ने विकसित भारत यात्रा में हिस्सा लिया। मोचीपुर गांव में आयोजित यात्रा में सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे लाभार्थियों से मुलाकात की, साथ ही ग्रामीणों से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील भी की। कार्यक्रम का यही मुख्य उद्देश्य है कि सभी जगह तक पहुँचे, इसीलिए सभी ग्राम पंचायतों तक पहुँचने का प्रयास है, सभी जिलों में पहुँचने का प्रयास है और सभी लाभार्थियों तक पहुंचने का प्रयास है। जो भी स्कीम है उसमें कोई छूटे नहीं, ये इसका मुख्य प्रयास है। अलीगढ़ में खैर ब्लॉक के ग्राम गुमत और सुजानपुर से यात्रा का शुभारंभ किया गया। जिला जनसंपर्क अधिकारी धनंजय जायसवाल ने बताया कि जनपद को 7 वीडियो वैन प्राप्त हुई हैं, जिनके माध्यम से संकल्प यात्रा जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाएगी। यात्रा के दौरान ग्राम पंचायत में जन चौपाल भी लगाई जाएगी, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहेंगे और नए लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ प्रदान करेंगे। संकल्प दिलाते हैं कि वो गांव कैसे विकसित गांव 2047 के पूर्व बने, ये इस कार्यक्रम की रूपरेखा है। मेरे समूह में 10 से 12 सदस्य हैं और मेरे पूरे गांव में समथिंग 200-250 लोग जुड़े हुए हैं, 20 समूह बने हुए हैं और 1,10,000 रुपए से मैंने 1% की ब्याज पे कुछ पैसे लिए थे, जिससे मैंने पार्लर का काम स्टार्ट किया है। भारत सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है, जिससे इनका लाभ आखिरी पायदान पर गरीब तक पहुँचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा को पूरे उत्साह के साथ आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में भी यात्रा के दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ऐसी ही एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में चलाए जा रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा आज उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में पहुंच गई, जहां इस अभियान को गति देने के लिए जिला मुख्यालय पर लोहिया भवन से 7 वाहनों को विधान परिषद सदस्य हरिओम पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले से, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए लाभार्थी भी शामिल हुए। इसमें सारे चीजों का सबसे निचले व्यक्ति से लेकर सबको जब तक मुहैया न करा दिया जाएगा और संतुष्ट न कर दिया जाएगा, तब तक यह संकल्प हमारा चलता रहेगा। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई की सोच है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सोच है। कार्यक्रम में स्कूली बच्चियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने इस यात्रा को सफल बनाने के लिए लोगों को संकल्प भी दिलाया। जिलाधिकारी ने बताया कि विकसित भारत का संकल्प लेकर यह यात्रा निकाली गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जिले के समस्त नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा किया जाए। पूरे देश के जितने भी ग्राम पंचायतें हैं और उन समस्त ग्राम पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और नगर निगमों में रहने वाले जितने भी हमारे टोटल 140 करोड़ लोग हैं, उन सभी लोगों तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचाना,
उन योजनाओं के बारे में बताना और जो लोग इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर चुके हैं उनकी सक्सेस स्टोरी, उनकी सफलता की कहानी, उन्हीं की जुबानी सबके सामने लाना है। भाजपा जिला अध्यक्ष त्रयंबक तिवारी ने बताया कि संकल्प यात्रा पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि समाज का अंतिम व्यक्ति सरकार की योजनाओं को लेकर जागरूक हो सके, जिससे विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सके। भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जो विकास के रथ आपके घर जाने वाले हैं, आपके गांव जाने वाले हैं, कल एक वर्चुअल के माध्यम से आज यहां पर जिलाधिकारी महोदय, निश्चित तौर से मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी महोदय बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि इस तरीके का बढ़िया आयोजन कर रहे हैं और आयोजन करके ये सूचनाएं आप तक पहुंचा रहे हैं। इस अवसर पर लोहिया भवन परिसर में स्वच्छ जल योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, उज्ज्वला योजना के साथ साथ शिक्षा विभाग, कृषि विभाग सहित तमाम विभागों के स्टॉल भी लगाए गए, जहां लोगों को योजना की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो इसराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच 50 बंधकों की रिहाई वाले समझौते को इसराइली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। समझौते के तहत बंधकों के बदले पहली बार 4 दिन के संघर्ष विराम पर सहमति बन पाई है। इन बंधकों में सिर्फ इसराइली महिलाएं और बच्चे शामिल होंगे। हमास की मांग गाजा में मानवीय सहायता को बढ़ाने पर भी है, जिस पर इसराइल तैयार नहीं है। इसराइल ने अभी तक सिर्फ 2 पेट्रोल टैंकरों को रोजाना गाजा तक पहुंचने की मंजूरी दी है। फिलहाल इसराइल अपनी जेलों में बंद कुछ फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए भी राजी हो गया है। उत्तर कोरिया की जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद दक्षिण कोरिया और जापान ने आपातकालीन चेतावनी जारी की है। दोनों देशों ने आशंका जताई है कि इस सैटेलाइट के कक्षा में स्थापित होने के बाद संभावित खतरा बढ़ गया है। जापान ने जे अलर्ट प्रसारण प्रणाली पर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि उत्तर कोरिया ने एक मिसाइल दागी है जो ओकिनावा के दक्षिणी प्रांत के निवासियों के लिए खतरा हो सकता है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के कार्यालय के अनुसार टोक्यो ने सैटेलाइट को मार गिराने की तैयारी में जवाबी उपाय तैनात कर दिए हैं। ओकिनावा के मियाको, इशिगाकी और योनागुनी द्वीपों पर PAC-3 जमीन आधारित मिसाइल और रक्षा बैटरियां भेजी हैं और समुद्री आत्मरक्षा बल एजिस विध्वंसक को भी तैनात किया गया है जो SM-3 इंटरसेप्टर से लैस है। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया के हजारों हेक्टेयर जंगल में लगी आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश हो रही है। अग्निशामकों को आग पर काबू पाने की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बोलीविया के रक्षा मंत्री एडमंडो नोवेलो के अनुसार आग ने बोलीवियाई अमेज़न के 3 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को नष्ट कर दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक लू चलने की आशंका है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति लुइस आर्से ने आग से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी है। वेनेजुएला के 30 अग्निशामक बोलीविया पहुंच चुके हैं। उधर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने घोषणा की है कि 100 अग्निशामकों को एंडियन भेजा जाएगा। '23-2024 में भारत की विकास दर अन्य प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में देखी जाए तो सकारात्मक रहेगी। वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष आर्थिक वृद्धि दर मजबूत रहने की उम्मीद जताई गई है। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि और स्थिरता के मामले में स्थिति मजबूत रहने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय की मासिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023-24 में अधिकांश अर्थव्यवस्था में सकारात्मक गतिविधियां देखी गई हैं और यही कारण है कि वित्त वर्ष 2024 का समापन मजबूत विकास और व्यापक आर्थिक स्थिरता के साथ होगा। मजबूत घरेलू बुनियाद और मुद्रास्फीति में नरमी की उम्मीदों के चलते भारत वित्त वर्ष 2023-24 में दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार मुद्रास्फीति के मोर्चे पर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और मुख्य मुद्रास्फीति में निरंतर नरमी से आगे चलकर मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने की संभावना है।
सरकार के निरंतर निवेश प्रोत्साहन, कंपनियों के बेहतर मुनाफे और बैंकों के गैर निष्पादित ऋणों में कमी से निवेश में उछाल रहेगा। वहीं सेवा निर्यात के मोर्चे पर मजबूत प्रदर्शन के कारण भारत के निर्यात में भी अच्छा प्रदर्शन होने की उम्मीद है। राजस्व संग्रह लगातार बेहतर बना हुआ है और व्यय के स्तर पर सूझबूझ के साथ काम किया जा रहा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में घाटे के तय लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते पर है। वैश्विक अनिश्चितताओं और ताजा भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत की आर्थिक ताकत में वैश्विक विश्लेषकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। कुल मिलाकर चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बेहतर रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर मिल रहे अच्छे संकेतों के बीच एक और अच्छी खबर आई है। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली की एक ताज़ा रिपोर्ट में दिसंबर 2024 तक सेंसेक्स के 74,000 अंक के स्तर को पार करने की उम्मीद जताई गई है। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार अच्छे संकेत मिल रहे हैं। भारत की विकास दर के ताज़ा अनुमान कई विकसित देशों से कहीं बेहतर हैं। इसी कड़ी में अब ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भी एक बड़ी खुशखबरी दी है। मॉर्गन स्टैनली की ताज़ा रिपोर्ट में भारतीय शेयर बाजार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की गई है। इसमें BSE सेंसेक्स के अगले साल दिसंबर तक 74,000 अंक के स्तर को छूने की उम्मीद जताई गई है। फिलहाल BSE सेंसेक्स 66,000 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव में मजबूत बहुमत वाली सरकार बने रहने का भारतीय शेयर बाजार को बड़ा फायदा मिल सकता है। साथ ही अमेरिका में मंदी का असर नहीं होने से सेंसेक्स को नई ऊंचाई छूने से कोई नहीं रोक सकता है। घरेलू विकास दर में मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी भी इसमें मददगार साबित हो सकती है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियां भारत की इस विकास यात्रा को लगातार गति दे रही है। इनके चलते सेंसेक्स की आय सालाना 21% से ज्यादा की दर से बढ़ रही है। रिपोर्ट में शेयर बाजार में आगे और भी तेजी का अनुमान लगाया गया है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि कुछ फैक्टर्स के दम पर बाजार 30% तक की तेजी के साथ 86,000 के स्तर तक भी पहुँच सकता है। हालांकि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $70 प्रति बैरल से भी नीचे आनी चाहिए। साथ ही महंगाई दर घटने की सूरत में RBI की ओर से ब्याज दरों में बड़ी कटौती और विदेशी बॉन्ड बाजार में बड़ी हलचल नहीं होनी चाहिए। एक तरफ शेयर बाजार को लेकर आ रहे ये सकारात्मक अनुमान है, तो दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनली ने सेंसेक्स में गिरावट की भी एक स्थिति का अनुमान लगाया है। दरअसल मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक चुनाव में आए अस्पष्ट जनादेश की स्थिति में सेंसेक्स 20% तक की गिरावट के साथ 51,000 के स्तर तक गिर सकता है। साथ ही अगर कच्चे तेल की कीमतें भी $110 प्रति बैरल को पार कर जाए और RBI आर्थिक स्थिरता के लिए सख्ती बढ़ा दे तो सेंसेक्स में ये स्थिति देखने को मिल सकती है। अमेरिकी मंदी के कारण वैश्विक विकास दर का कम होना भी सेंसेक्स की इस गिरावट में भूमिका निभा सकता है। मॉर्गन स्टैनली की 2024 आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य परिस्थितियों में भारत दूसरे उभरते बाजारों की तुलना में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन करेगा। ऐसे में आगामी वर्ष में कंपनियों के वित्तीय परिणाम भी बेहतर रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए आप कारोबार से जुड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में डालते हैं एक नजर। जियो फाइनेंशियल सर्विस ने बॉन्ड के जरिए फंड जुटाने की खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि कंपनी की ऐसी कोई योजना नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग होकर बनी कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में ये बात की जानकारी दी है। ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज फर्म टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO आज खुला और 24 नवंबर को बंद हो जाएगा। कंपनी इस IPO के जरिए 3,042 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी के IPO का प्राइस बैंड 475 रुपए से 500 रुपए तक तय किया गया। क्वालिटी कंट्रोल की मदद से खिलौने की तरह कई अन्य उद्योगों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिलने जा रहा है। अगले 3.5 साल में 217 आइटम पर क्वालिटी कंट्रोल नियम लागू होने जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने एडटेक फर्म थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड और बायजू रविंद्रन को 9,362 करोड़ रुपए की कथित हेरा फेरी के मामले में विदेशी मुद्रा विनियम प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
माइक्रोसॉफ्ट ने अपर्णा गुप्ता को ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त किया है, जो इंडस्ट्री सॉल्यूशंस डिलीवरी और व्यापक माइक्रोसॉफ्ट कस्टमर एंड पार्टनर सॉल्यूशन संगठन का एक हिस्सा है। रेन्यू एनर्जी ग्लोबल PLC ने उच्च आय के कारण 23 सितंबर 2023 को समाप्त दूसरी तिमाही के दौरान 377.1 करोड़ रुपए का लाभ कमाया। स्वच्छ ऊर्जा कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष की जुलाई सितंबर अवधि के दौरान 98.6 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया था। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 29 नवंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश की घोषणा और उसके लिए रिकॉर्ड तिथि तय करने पर विचार करेगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए टीटी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। के बाद स्वागत है आपको। बता दें तमिलनाडु के नागपट्टिनम के कई इलाकों में बारिश हो रही है, वहीं इरोड में भी भारी बारिश के कारण निचले आवासीय इलाकों में जलभराव होने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 दिनों में तमिलनाडु के 10 से अधिक जिलों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। कन्याकुमारी में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। आज तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और तेनकासी और थेनी जिलों में, जबकि तमिलनाडु के रामनाथपुरम, विरुधुनगर और थूथुकुडी, मदुरै, डिंडीगुल, तिरुपुर, कोयम्बटूर, नीलगिरी, तिरुवल्लूर, रानीपेट, कांचीपुरम, चेन्नई, चेंगलपट्टू, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई और तिरुवरूर जिले के कराईकल क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जयपुर में भव्य रोड शो किया था, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। पीएम ने आज एक्स पर एक वीडियो शेयर करके कहा है कि जयपुर के रोड शो में लोगों का जोश और जज्बा दिल को छू गया।
नज़ारा, जोश, जुनून और जज्बे की बेहद खूबसूरत तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से। और अब अगली खबर। भारत के दिग्गज बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने अपने करियर का 26वां वर्ल्ड टाइटल जीत लिया है। उन्होंने दोहा में खेली गई IBSF वर्ल्ड चैंपियनशिप लॉन्ग कप जीती। फाइनल मुकाबले में उन्होंने भारत के ही सौरभ कोठारी को मात दी। अडवाणी ने कुआलालंपुर में पिछले साल के खिताबी मुकाबले के नतीजे को दोहराते हुए कोठारी को 1,416 से हराया। और स्टार भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणॉय ने चीनी ताइपी की चाओ टीएन चेन के खिलाफ सीधे गेम्स में जीत के साथ चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल के दूसरे दौर में जगह बना ली है। 31 साल के प्रणॉय ने पहले दौर में दुनिया के 12वें नंबर के खिलाड़ी को 21-18, 22-20 से हराया और पिछले हफ्ते जापान में मिली हार का बदला चुकता कर लिया। पुरुष युगल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी भी अपने दूसरे दौर में पहुंचने में सफल रही। भारतीय जोड़ी ने पहले दौर में इंग्लैंड के बेन लेन और सीन वैंडी को 21-13, 21-10 से हराया। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी अगले दौर में जापान के अकीरा कोगा और ताइची साइतो के खिलाफ उतरेगी। फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर के दूसरे राउंड में भारतीय टीम को अपने दूसरे मुकाबले में कतर के हाथों 0-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। कतर ने मैच की शुरुआत में ही मशाल के गोल की मदद से 1-0 की बढ़त ले ली। दूसरे हाफ में शुरुआत में अली ने कतर के लिए दूसरा गोल किया। मैच के 86वें मिनट में कतर की तरफ से तीसरा गोल देखने को मिला। कतर की दूसरे राउंड में ये लगातार दूसरी जीत है। और यूरोपियन चैंपियनशिप के ग्रुप दौर में फ्रांस और ग्रीस के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप दौर में अब तक 8 में से 7 मुकाबले में जीत दर्ज करने वाली फ्रांस की तरफ से रेंडल कोलो, मोआनी और वेस्ले फोफाना ने दागे, जबकि ग्रीस की ओर से अनास्तिसोस और इओआनिदिस ने 1-1 गोल किया। यूरोपियन चैंपियनशिप के ग्रुप दौर में ही खेले गए एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया ने आर्मेनिया को 1-0 से हरा दिया। इस मैच में एकमात्र गोल क्रोएशिया की तरफ से हुआ, जबकि 43वें मिनट में सोसा के पास पर आते बुदिमीर ने गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया। इसके बाद मुकाबले में कोई और गोल ना हो सका और क्रोएशिया ने मैच 1-0 से अपने नाम कर लिया। यूरोपियन चैंपियनशिप के ग्रुप दौर में वेल्स और टर्की के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों के बीच खेले गए रोमांचक मैच में पहला गोल वेल्स की ओर से 7वें मिनट में हुआ। हालांकि फ्रांस को बराबरी का गोल करने में काफ़ी वक्त लगा और उसे 70वें मिनट में मिली पेनल्टी में सफलता हाथ लगी, जिसने मुकाबला 1-1 की बराबरी पर ला दिया। हॉकी इंडिया ने राष्ट्रीय महिला अभ्यास शिविर के लिए 34 सदस्यीय ग्रुप की घोषणा की है। ये खिलाड़ी 22 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक बेंगलुरु के साई सेंटर में अभ्यास ट्रेनिंग लेंगे। ये अभ्यास अगले महीने की 15 तारीख से होने वाले 5 देशों के टूर्नामेंट वैलेंसिया 2023 के लिहाज से बेहद अहम है। गौरतलब है कि 5 देशों के टूर्नामेंट में मेज़बान स्पेन सहित भारत, आयरलैंड, जर्मनी और बेल्जियम के बीच मुकाबले खेले जाएंगे। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहे डीडी न्यूज। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
ब्रेक के बाद स्वागत है। स्मार्ट सिटी मिशन ने दिव्यांग बच्चों को भी खुशियां दी हैं। जी हां, इसका एक अच्छा उदाहरण कर्नाटक के बेलगावी ज़िले में देखने को मिल रहा है। बेलगावी स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा करीब 2,90,00,000 रुपए की लागत से महात्मा फुले पार्क विकसित किया गया है और इसी पार्क में सावित्रीबाई फुले चिकित्सा केंद्र बनाया गया है। यहाँ दिव्यांग बच्चों की थेरेपी के साथ हर तरह से निःशुल्क देखभाल की जाती है। कैसा है ये केंद्र, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। सावित्रीबाई फुले चिकित्सा केंद्र के अंदर स्मार्ट सिटी के तहत एक केंद्र बनाया गया है। क्या खासियत है, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज वैष्णवी। वैष्णवी, क्या खासियत है आपके यहाँ? हमारे यहाँ सर, हमारे यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट है, मतलब और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। यहाँ के तीन स्कूल, यहाँ पे बेलगाम के तीन स्कूल के बच्चे आते हैं, उनको यहाँ पे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और सोशल एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो हम सब यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब है और यहाँ पे बच्चे आते हैं तब बहुत एंजॉयमेंट करते हैं। बच्चों का यहाँ पे जो है फाइन मोटर स्किल सब डेवलपमेंट हुआ है। सोशलाइज भी बच्चे बहुत अच्छे से हुए हैं और यहाँ पे आने के बाद बच्चे एंजॉयमेंट करते हैं सर। उनको यहाँ पे आने के बाद ऐसा नहीं लगता कि मतलब कहाँ पे तो आए हैं, उनको बहुत एंजॉयमेंट के ऊपर से वो इतना खुश होते हैं कि घर को जाने को भी नहीं उनको मतलब ये होता है, इतना अच्छे से बच्चे इधर ये करते हैं। और यहाँ पे हमारे जो टीचर स्टाफ भी आते हैं वो भी अच्छे से देखते हैं बच्चों को। और हमारे यहाँ पे और थोड़ा मतलब हम ये करने वाले हैं, मतलब जैसे कि और थोड़ा थेरेपिस्ट है, वाटर थेरेपी और कुछ भी जो थेरेपिस्ट है ना वो सब इधर यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। हमारे साथ गायत्री गावड़े हैं जो प्रमुख हैं इस थेरेपी की। मैडम, किस तरह से यहाँ पे आप थेरेपी देते हैं? सर, एक्चुअली हम इधर फिजियोथेरेपी देते हैं इन बच्चों के लिए। और हम लोग एक्चुअली, मैं एक अंकुर स्कूल करके स्कूल चलाती हूँ जिधर 45 बच्चे हैं और मैं एवरी ट्यूसडे और सैटरडे उन बच्चों को लेके इधर लाती हूँ। और इधर स्पेस बहुत बड़ा है, इसकी वजह से सब बच्चे एंजॉय करते हैं सभी थेरेपीज। और फिजो हमारे केएलई के फिजियोथेरेपिस्ट इधर आते हैं और इन बच्चों को इधर फिजियोथेरेपी लेते हैं। कुछ अभिभावक भी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। आप बताइए कितना फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए? बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि पहले वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे और फिजिकली इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन अभी जब से यहाँ पे आ रहे हैं तो बहुत एक्टिव हो गए। अपने आप से जो भी चाहिए, जो करना है वो अपने आप से कर रहे हैं। बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत हैप्पी है बच्चे लोग यहाँ पे आके। और घर में बैठेंगे तो पूरा दिन टीवी के सामने बैठते, तो उससे अच्छा है यहाँ पे जाके वो लोग बच्चों के साथ मिल के उनका मूड ही इतना चेंज हो जाता है। वेरी नाइस, वी आर वेरी हैप्पी। आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग व्हाट हैज हैपेंड टू अस। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के बाद हमें भी कुछ उम्मीद आई है कि हमारे बच्चों के लिए भी कुछ डेवलपमेंट्स हो जाएंगे। जैसे अभी ये प्रोजेक्ट हुआ है तो और भी हमें उम्मीद है कि इनके लिए कुछ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हो या कुछ ओकेशनल 18+ जो बच्चे हैं उनके लिए ओकेशनल एक प्रोजेक्ट हो कि जहाँ पे वो जाके कुछ तो काम कर सके। तो ये थोड़ी सी उम्मीद है, लेकिन स्मार्ट सिटी के बाद थोड़ी बहुत डेवलपमेंट तो बहुत हुई है। स्मार्ट सिटी के तहत तैयार किए गए इस केंद्र से न केवल दिव्यांग बच्चे उत्साहित हैं बल्कि उनके माता पिता के चेहरे पर भी रौनक आ गई है। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, कर्नाटक। और अब अगली खबर। हाथी और इंसान के बीच प्रेम हमेशा से रहा है। हमारे देश में इन्हें भगवान गणेश का रूप माना जाता है। इंसान और हाथी के बीच के रिश्ते को बॉलीवुड ने अपनी कई फिल्मों के जरिए भी बखूबी समझाया है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि मनुष्य के कारण ही बड़ी संख्या में हाथियों की मृत्यु हो जाती है। आज आपको दिखाते हैं हाथी और इंसान के बीच प्रेम की एक अनूठी कहानी, कैसे पलक्कड़ की एक सेवानिवृत्त शिक्षिका और उनके पति ने, उनकी इच्छा थी एक हाथी के बच्चे को खरीदने और पालने की, और जिसे पूरा करते हुए उन्होंने जो हाथी का बच्चा पाला उसे अपना बेटा ही मान लिया। कृष्ण गुप्तान हैं, जो पंचायत सचिव के रूप में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, और ये हैं उनकी पत्नी पारू कुट्टी, एक सेवानिवृत्त हाई स्कूल शिक्षिका। दोनों को हाथियों से बहुत प्यार है क्योंकि उनके कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों के पास हाथी जो थे। जब रामकृष्ण 2001 में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए तो उन्होंने एक हाथी के बच्चे की तस्वीर देखी। जब उन्हें पता चला कि हाथी का ये बच्चा बिक्री के लिए है तो दंपति ने अपनी बचत निकाली और उसे खरीद लिया। यह मेरा सेवानिवृत्ति का वर्ष था, मैंने अपना सेवानिवृत्ति लाभ लिया और उसे खरीद लिया। हम जानते थे कि अगर हम एक हाथी के बच्चे को पालेंगे तो वह निश्चित रूप से हमसे प्यार करेगा।
और इस तरह अंडमान से जहाज द्वारा यात्रा करके विजय नाम का ये हाथी का बच्चा श्री कृष्णपुरम में उनके घर आ गया। दंपति ने उसका नाम नहीं बदला और वो उसे विजय ही बुलाते रहे। कहते हैं कि प्रेम तो भाव है, जिसे पालें उसी से हो जाता है। ये देखिए किस तरह ये दंपति विजय को अपना बेटा मानते हैं। अब ये 27 साल के हो चुके हैं। विजय हमेशा उनके आंगन में पारुकुट्टी से गुड़ लेकर खाते रहते हैं और परिवार के सभी सदस्य उन्हें बच्चे की तरह ही लाड़ प्यार देते हैं। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनके बारे में कभी बुरा महसूस नहीं किया। हमने अपनी पेंशन से प्राप्त आय से उसे वह सब कुछ दिया जिसकी उसे जरूरत थी। हमें पिछले 2 वर्षों से उनसे आय मिलनी शुरू हुई है, लेकिन ये सब हम इनके पालन पर खर्च करना चाहते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। पेंशन से हाथी खरीदने के लिए समाज के लोगों द्वारा इस दंपति की आलोचना भी हुई, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और अब गांव वालों को भी हाथी पर गर्व है। ये हाथी आसपास के लगभग सभी मंदिर उत्सवों में भाग लेते हैं। पिछले 20 सालों से घर को रेनोवेट करने की हमारी कोशिश पूरी नहीं हुई। पहले हमने सेवानिवृत्ति लाभों के साथ घर का नवीनीकरण करने का निर्णय लिया, बाद में हमने ये विचार छोड़ दिया। अब इस दंपति को अपने बाद विजय के भविष्य की चिंता है, लेकिन वो उन लोगों को मना कर देते हैं जो विजय को खरीदने के लिए उनके पास आते हैं। उनके अनुसार विजय कोई बिकने वाली वस्तु नहीं है। वो चाहते हैं कि आगे भी विजय एक लाडले बच्चे की तरह ही जिए। यहाँ हम बारिश और गर्मी हर हाल में खुश रहते हैं। हमने लाभ के लिए धन नहीं जुटाया। मैंने लाभ हानि की गणना किए बिना अपने बच्चों का पालन पोषण किया है। इसी तरह हम अपने बेटे विजय को खाना खिलाते हैं। अपने घर में दशकों से अधिक समय तक एक हाथी को पालने वाले जोड़े की ये दिल को छू लेने वाली कहानी इंसानों और हाथियों के बीच के अनोखे रिश्ते की परिचायक है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए पलक्कड़ से अजय जॉय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे आप देखेंगे समाचार आंचल गुलाटी गुंबर के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।